बजट में ओपीएस की घोषणा, कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने पर कर्मचारियों और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सम्मिलित रूप से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। इस हेतु शाम 6:15 बजे सभी कार्मिक साइंस पार्क में एकत्रित हुए तथा मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि पेंशन व्यक्ति के जीवन और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। सरकारें जहां एक ओर वृद्धावस्था पेंशन लागू कर बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, वहीं कर्मचारियों को मिलने वाली नामात्र की पेंशन के प्रकरण सामने आने पर अपनी ही आय का एक हिस्सा अंशदान के रूप में देने वाला राजकीय कर्मचारी असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो गया। आज मुख्यमंत्री जी ने पेंशन का टेंशन खत्म कर दिया। इस संबंध में 18 साल तक का कर्मचारियों का संघर्ष आज रंग लाया। कर्मचारियों की आय का हिस्सा बाजार में इन्वेस्ट करना कहीं भी तर्कसंगत और न्यायसंगत नहीं था। आज मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी हितैषी होने का प्रमाण देते हुए लाखों कर्मचारियों की चिंता का निवारण कर दिया। इससे पूरे राज्य के राजकीय कर्मचारियों में खुशी व्याप्त हो गई। इसके बाद सभी कर्मचारी बैनर लेकर कर्मचारी एकता जिंदाबाद और मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते हुए साइंस पार्क से सूरजपुर चौराहे पर पहुंचे और आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिलाध्यक्ष जयनारायण कड़ेचा, एनएमओपीस जिलाध्यक्ष रविंद्र वैष्णव, शिक्षक संघ एकीकृत जिलाध्यक्ष नंदकिशोर शर्मा, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र व्यास, सत्यनारायण राजपुरोहित पुनाड़िया, गजेंद्र सिंह पनवार, दाऊ सिंह मीना, मोहम्मद सलीम, रमेश कुमार बंजारा, प्रकाश प्रजापत, बस्तीराम, हेमू शर्मा, नरपत मेवाड़ा, शक्ति सिंह, हिम्मत सिंह, दीपक जावा, मोहम्मद आसिफ, सद्दीक सोलंकी, अमृतलाल, रविंद्र ठेबरा, पुष्पेंद्र डाबी, नरेश, कन्हैया लाल चौहान, भगवान बाबानी, मुकेश गग्गर, विष्णु किंजा, राजेंद्र सिंह, महिपाल सिंह सोवनिया, राधा किशन शिवनानी, हड़मानाराम, अशोक चौहान, दिलीप गहलोत, पुष्पेंद्र चौधरी, हिम्मत सिंह, श्रीमती रिंकू एवं अन्य शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे।